हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास टुडे वी विल लर्न नाउन केस मींस मींस व्हाट ए केस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ़ ए अनदर वर्ड केस मैंने रिलेशनशिप हो सेंटेंस में यानी कि उसका ये सेंटेंस का वो वर्ड में नाउन का रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम जो करते हैं उसको हम क्या क्या क्या, क्या बोलते हैं केस बोलता है ओके सो हियर थ्री काइंड्स ऑफ केसेस आर देयर दैट इज सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव और अक्यूसेटिव केस देन थर्ड वन पॉसिसिव और जेनेटिव केस ओके नाउ फर्स्ट वन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस व्हेन वी यूज ए नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज़ इन द नॉमिनेटिव केस वेन ए न इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नवन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस ओके इसमें याद रखना है नवन सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है न वर्ब का सब्जेक्ट का रूप में आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं नॉमिनेटिव केस में है नहीं होने से सब्जेक्टिव केस में है ओके सो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस आउटर इट इजिवर वी कैन आस्क द क्वेश्चन वाट विथ द वर्ब ओके हु और हुट विथ द वर्ब सो वर्ब से हम हु और वाट क्वेश्चन पूछेगा तब हमें आंसर मिलता है तो वही हमारा वही सेंटेंस वही नाउन हमारा सब्जेक्टिव केस में है हम बोल सकते हैं ठीक है सो द एग्जाम्पल मेरी ड्रू ए पिक्चर मेरी ड्रू ए पिक्चर ओके देन वी कैन आस्क द क्वेश्चन हु ड्रू ए पिक्चर देन वाट आंसर वी विल गेट मेरी ओके Who drew a picture? We are asking the question with the verb. What is the verb here? Drew. So, who drew a picture? We are asking the question. Then we get Mary drew a picture. Then, what is the subject here? We know that Mary is the noun here. Isn't it in this sentence? Mary is the noun, name of a person. So, this becomes the subject in this sentence. Clear when we ask the question, we got the answer that is Mary. Okay. So Mary becomes subject here. So we will say that in this sentence, Mary is Mary. This noun Mary is the uh, it is a subjective case. Okay. Second one, the river flows through the plain. Here, what we'll ask what flows through the plains so what we get the answer the river the children are playing who are playing the children the cow eats grass who ate grass the cow okay so in the above sentences mary river children cow are in the nominative case understood now children you got it सो so सब्जेक्ट के रूप में जो नवन आता है तो उसको हम क्या करते हैं नॉमिनेटिव केस में उसको हम जानने के लिए हम क्वेश्चन पूछना है वर्ब से वर्ब क्या है यहाँ पे ये रिवर फ्लोस फ्लो ड्रू आर ईट ओके वर्ब से हम क्या क्वेश्चन पूछ पूछना है हु और वाट ठीक

Okay, object. See, when a noun is placed as the object of a verb, it is in the objective or accusative case. Then, in order to find out the objective case, we have to put the question, what or whom? After the verb. First one, what we have to ask, who or what? Here, what we have to ask, what or whom? नहीं वर्ब से हम क्वेश्चन पूछना है व्हाट और होम सो हियर फर्स्ट एग्जांपल हियर ऑलरेडी वी नो दरियावाड़ी इज सब्जेक्ट हियाओ आइसक्रीम ना विजय ईट्स व्हाट और व्हाट डस विजय ईट व्हाट इस आंसर विल गेट विजय ईट्स आइसक्रीम सेकेंड वन द स्टाफ इलेक्टेड मेरी आस मेंबर ऑफ द बोर्ड सो हियर The staff elected Mary as member of the board. Okay, so the staff elected whom Mary. Mary become object here. So in that way, we have to find out. Then in the above sentences, I scrape Mary are in the objective case. Then object is the person. It can be person or thing or animal. कि ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है थिंग भी हो सकता है कि एनिमल भी हो सकता है अफेक्टेड बाय द एक्शन एक्शन के प्रभाव किसमें पड़ता है ठीक है इसलिए इसमें ये व्यक्ति भी आ सकता है एनिमल भी आ सकता है कुछ चीज़ भी आ सकता है ये एक्शन की क्रिया का जो प्रभाव किसमें पड़ता है वही हम देखना है द टीचर टॉट रामा न्यू लेसन टीचर किसको पता पढ़ाया है रीना क्या ए न्यू लेसन सो इन देंटेंस अबाउट रीना एंड न्यू लेसन बोथ आर ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है न्यू लेसन ऑब्जेक्ट है और रीना भी ऑब्जेक्ट है इन सच केसेस देन ना उन रेफरिंग टू ए पर्सन इज़ कॉल्ड इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग आता है एंड द नाउन नेमिंग ए थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब तो कोई कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हम क्या लिखेंगे तो अगर लिविंग थिंग है तो यहाँ पे देखिए रीना है ना रीना लिविंग थिंग है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और न्यू लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मतलब नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है नाउ कम टू द थर्ड वन पोसिव और जेनेटिव केस वेन ए नाउन शोस पोसीशन और ऑनरशिप एक्सेट्रा इट इज इन दॉसेसिव केस इट आंसर्स द क्वेश्चन नो ये सब देखने के लिए हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे हूस सब राम्स बैग इज मिसिंग हूस बैग इज मिसिंग तो वट विल गिव द आंसर राम है ना देन ही स्टेप्ड ऑन द स्नेक्स टेल ही स्टेप्ड ऑन द Snakes tail. On whose tail did he step? Then we'll get to snakes tail. Okay? So वेन ए denotes possessive और ownership. इसमें कहता है ownership. है ना जब कोई noun दूसरे noun अपने अधिकार को प्रकट करता है ये समझना है He stepped ये यहाँ पे ये snake के ऊपर अधिकार प्रकट करता है ना? तब क्या होता है उसको पोजिसिव गेस का नाउन कहते हैं ठीक देन उसके लिए एक और चीज़ हम याद रखना है अतिकार प्रकट करने के लिए हम क्या यूज़ करेगा अपोस्टोवी अपोस्टोफी का यूज़ करता है ठीक नहीं होने से ऑफ का यूज़ करता है इसमें हम ये ये ध्यान रखना है ये अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम क्या करेगा अपोस्टोफी का यूज़ करेगा नॉन लिविंग थिंग्स में ऑफ का यूज़ करेगा सॉरी नॉन लिविंग थिंग में हम ऑफ का यूज़ करते हैं लिविंग थिंग में अपोस्टोफी एस का यूज़ करते हैं समझ में आ गया ये नॉन लिविंग थिंग में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं और लिविंग थिंग में हम एस का यूज़ करते हैं देखो यहाँ पे Use s with a singular noun. The king's palace, Hena? King's palace. Then reviskite. Now, let us see the next page. Use just an apostrophe with the plural nouns ending with s. Yes. सोल्जियर्स ऑफिसर्स सोल्जियर्स ऑलरेडी इट इज़ प्लूरल सो जस्ट हम क्या करेंगे कॉमा यस yes के बाद हम कॉमा लगाएगा दोबारा यस रिपीट नहीं करता है एस टेल गर्ल्स होस्टल गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर दोबारा अपोस्टफियस नहीं लिखता है केवल यस yes के बाद अपोस्टफी डाल देता है देन

Then we do not use apostrophe with non living things. Then apostrophe is used with abstract nouns which have been personified, that is, described as a living person. Conscience sake, duties call. Okay. Abstract noun, conscience. हम नहीं देख सकते हैं ना देन ड्यूटी इज कॉल ड्यूटी हम नहीं देख सकते हैं हम वी कैन अंडरस्टैंड इट सो वट वी डू इट इज़ अ पर्सोनिफाइड पर्सनलाइज दैट इज वाई ड्यूटी इज कॉल अ पोस्टफी एस यूज़ किया है देन अ पोस्टफी इज ऑल्सो यूज विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट ए डेज जर्नी यहाँ पे क्या है टाइम दिखाया है तब हम क्या करते हैं अपोस्ट डाल दिया है ए वीक्स स्टे तब यहाँ पे भी एक वीक ड्यूरेशन है ना टाइम है ना तो हम क्या किया है अपोस्टोफियस डाल दिया है ठीक सो नॉन लिविंग थिंग में हम क्या करना है नॉन लिविंग थिंग मतलब ये चेयर है तो हम अपोसफी एस यूज नहीं करेगा तो हम क्या बोलेगा चेयर्स लेग नहीं बोलता है द चेयर ऑफ द लेग ऑफ द चेयर बुक्स कवर नहीं बोलता है द कवर ऑफ द बुक क्लियर चिल्ड्रेन सो दिस आर द केस ऑफ नाउन केस थ्री आर देयर दैट इज अ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव और अक्यूसेटिव केस देन पोसिव और जेनेटिव केस ओके सो टेन questions are there to do it that you have to complete it okay so up to here you have for the examination that you have to learn and understand it then you we will do the revision okay thank you children i stop here